दोस्तों पहला फर्स्ट यानी फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर इसी के साथ खत्म हो जाता है और दूसरे एंग्लो मराठा वॉर यानी 1803 से 1805 के लिए आप 1782 से 1803 के बीच का ये जो 20 साल का घटनाक्रम है इसे भी हमें समझना आवश्यक है। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले वॉर की तरफ जो कि कहलाएगा आपका सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर। पर उस सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर को समझने से पहले हम इन 20 सालों के दौरान हुआ क्या क्या, क्यों परिस्थितियां 20 साल बाद दोबारा अंग्रेजों से कॉन्फ्लिक्ट किया गई, इसको समझते हैं। 1782 में जब यह तय हो गया कि माधवराव पेशवा रहेंगे, इसके बाद सब कुछ स्मूथली चल रहा था। फडणवीस की ताकत धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही थी। नाना फडणवीस के जो मराठी सैनिक थे, जो मराठी अधिकारी थे, वो पूरी तरह से नाना फडणवीस के भक्त थे और नाना फडणवीस वास्तव में पूना का शासक यानी वास्तविक पेशवाई का फायदा उठा रहा था। जो वास्तविक पेशवा था माधवराव सेकंड, वो कहीं ना कहीं कम उम्र के कारण और कम अनुभव के कारण दबा रहता था। अब ये एक चीज माधवराव सेकंड को पसंद नहीं आ रही थी कि पेशवा मैं हूं, निर्णय मुझे लेने चाहिए, पर सारे के सारे निर्णय कौन ले रहा है? ये व्यक्ति नाना फडणवीस। तो कहीं ना कहीं माधवराव सेकंड के मन में ये कॉम्प्लेक्स आया कि मैं पेशवा हूं पर असली मलाई कौन खा रहा है? नाना फडणवीस। तो भाई ये दिक्कत माधवराव सेकंड को होती है और माधवराव सेकंड को जब ये बहुत ज्यादा बर्दाश्त से बाहर हो जाता है तो 1795 में माधवराव सेकंड सुइसाइड कर लेगा यानी आत्महत्या कर लेगा और ये मराठी राजनीति की एक बहुत बड़ी घटना थी। तो मराठी पेशवा के आत्महत्या के पश्चात फिर से एक प्रश्न खड़ा हुआ कि अगला मराठा पेशवा कौन। और अगला मराठा पेशवा बड़ा एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर बनता है। अब्बा यानी राघोबा हारमोनियम बजाते थे पर कभी गाए नहीं। इनका बेटा निकल के आएगा और वो बेटा होगा कौन? बाजीराव सेकंड। और बाजीराव सेकंड ना केवल हारमोनियम बजाएगा बल्कि गाएगा भी, यानी मराठा पेशवा बनेगा। अब्बा तो कभी बन ना सके, रोते चले गए, लेकिन लड़के को पेशवाई फाइनली मिल जाती है। तो 1795 में बाजीराव सेकंड पेशवा बन जाता है, बना दिया जाता है। एक्चुअली पपेट था ये, क्योंकि वास्तविक सारी चीजें किसको, जो पिछली स्लाइड में मैंने जिस व्यक्ति को दिखाया था नाना फडणवीस, उसको संभालना था। तो अब बाजीराव बने या मस्तानी बने क्या फर्क पड़ता है? खैर मस्तानी पहली वाली थी, बहुत पहले की थी, ये बाजीराव थोड़े नाकाबिल टाइप के, बेवकूफ टाइप के हैं। अब कहानी कुछ ऐसी शुरू होती है कि बाजीराव सेकंड पेशवा बन चुका है। इसी के ठीक 5 साल बाद यानी 1800 में मराठी राजनीति के चाणक्य यानी नाना फडणवीस की मृत्यु हो जाती है और यहीं से मराठी राजनीति में उथल पुथल शुरू हो जाएगी। बड़े नेताओं का चले जाना, जैसे नाना फडणवीस का चले जाना, माधवराव सेकंड का चले जाना, ये मराठी राजनीति में बड़े नुकसान थे। सबसे और इससे भी बड़ा नुकसान था इस बेवकूफ का, इस बाजीराव सेकंड का, इधर गद्दी पे बैठना। और ऊपर से एक दिक्कत और चल रही थी। दिक्कत ये चल रही थी कि नाना फडणवीस की मृत्यु के पश्चात पूना यानी जहां पेशवा बैठता था, तो पेशवा के करीब सबसे ज्यादा कौन मराठा लीडर होगा, इस बात को लेकर मराठी लीडर्स में आपस में संघर्ष शुरू हो गया। सिंधिया, भोसले, होलकर, गायकवाड़, शिंदे, खाड़गे, इन सब में आपस में बवाल शुरू हो गया, इन सब में आपस में संघर्ष शुरू हो गया कि बाजीराव सेकंड किसको ज्यादा प्यार करता है, किसको ज्यादा पसंद करता है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट बहुत बड़े लेवल पर सिंधिया और होलकर्स के बीच में चल रहा था, क्योंकि सिंधिया और होलकर्स जो कि मराठी पावर के, ये मैं मान सकता हूं कि पिलर्स थे, इनके बीच ये कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा गहराता चला गया। और जब इनके बीच ये कॉन्फ्लिक्ट गहराता चला गया सिंधिया और होलकर्स के बीच में, तो बाजीराव सेकंड ये अपना इस लकड़बग्घे ने क्या किया, फेवर कर दिया सिंधिया को। किसको फेवर कर दिया? सिंधिया। अब होलकर्स ऑलरेडी मजबूत पावर में, मजबूत कंडीशन में, बाजीराव सेकंड ने फेवर कर दिया सिंधिया को, ये बात होलकर्स को पसंद नहीं आती। ऐसे में एक बहुत बड़ी दुर्घटना होती है जो कि कहीं ना कहीं हमको सेकंड जो एंग्लो मराठा वॉर है उसकी तरफ ले जाएगी। समझते हैं कैसे? तो कहानी कुछ ऐसी होगी कि भाई साहब 1801 में होलकर का राजकुमार जसवंतराव होलकर, उस समय होलकरों के राजा थे और उनका भाई था विट्ठू जी होलकर। तो 1801 में विट्ठू जी होलकर जाता है पूना
मिलता है बाजीराव सेकंड से, और वहीं पर विट्ठू जी होलकर की हत्या करा दी जाती है। ये एक बड़ी घटना थी, और इसका परिणाम क्या हुआ? परिणाम बेहद भयावह होता क्या है, होलकर इसका प्रतिशोध लेंगे, और होलकर के इस प्रतिशोध को रजिस्टर कौन करेगा? बाजीराव सेकंड। और इस बाजीराव सेकंड को हेल्प कौन करेगा? जिसने बाजीराव ने जिसको हेल्प किया था, किसको? सिंधिया को। तो बाजीराव सिंधिया जो कि पेशवा है और उसको सपोर्ट करने वाला एक मराठी लीडर सिंधिया, ये दोनों मिलके होलकर्स के खिलाफ लड़ेंगे। बट होलकर क्या करेगा? इन दोनों की कंबाइंड आर्मी को हरा देगा। और ये एक बहुत बड़ा चेंज था, ये पुणे में हुआ, एक बहुत बड़ी राजनीतिक घटना थी, जिसके पश्चात क्या होता है कि होलकर के एक दोस्त थे पुणे में अमृत राव, और अमृत राव के बेटे विनायक राव को बना दिया जाता है अगला पेशवा। और बाजीराव पेशवा इसका क्या हुआ, ये भाग जाता है सालसेट। ये कहां भाग जाता है? सालसेट। और सालसेट से फिर ये चला जाता है बसीन। चलते हैं हम बसीन की संधि की तरफ। ट्रीटी ऑफ बसीन जो कि बनती है सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर का रीजन, पर इस ट्रीटी ऑफ बसीन को समझने से पहले हमें ब्रिटिशर्स की कुछ पॉलिसी को भी समझनी चाहिए, और उस ब्रिटिशर्स की पॉलिसी को समझने के लिए हमें एक ब्रिटिश व्यक्ति का परिचय बेहद आवश्यक है, और वो है ये जनाब। 1798 से 1805 के बीच इनका कार्यकाल रहा हिंदुस्तान में, और ये कोई और नहीं लॉर्ड वेलेसली साहब हैं। लॉर्ड वेलेसली और आर्थर वेलेसली, यानी दो वेलेसली हमें इतिहास में देखने को मिलते हैं। ये जो भाई साहब हैं ये हैं मार्कस वेलेसली, और एक और व्यक्ति है आर्थर वेलेसली। आर्थर वेलेसली भी बाद में सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर में युद्ध करेगा, और ये वही आर्थर वेलेसली है जिसने नेपोलियन को वाटरलू के युद्ध में हराया था। तो कंफ्यूज मत होइएगा, इनको जिनको आप पढ़ रहे हैं ये है मार्कस वेलेसली। इनको मैं क्यों बीच में ले आया हूँ? इनको मैं इस मराठा एंग्लो वॉर के बीच में इसलिए लाया हूँ क्योंकि भाई साहब इनका ही खेल था वो बसीन की ट्रीटी। वेलेसली साहब जब हिंदुस्तान आए तो इन्होंने देखा कि सारे के सारे इंडियन स्टेट्स आपस में युद्ध करते हैं, आपस में पॉलिटिकली यूनिट नहीं रहते हैं। अब ऐसे में इनको अपनी दुकान चलानी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी को एक पॉलिटिकल पावर बनाना था, तो ऐसे में ये क्या करेंगे, एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करेंगे, वो होगा सब्सिडियरी अलायंस, जिसको हिंदी में हम कहते हैं सहायक संधि। सहायक संधि यानी जिस राज्य के साथ भी ब्रिटिशर्स सहायक संधि पर साइन करेंगे उस राज्य की आर्मी को कंप्लीटली एनेक्स कर दिया जाएगा। उस राज्य की आर्मी को सपोर्ट करेगा कौन? ब्रिटिशर्स की आर्मी। और इस दौरान क्या हुआ, वेलेसली साहब के पास बसीन में मुलाकात होती है। किसकी? बसीन में मुलाकात होती है वेलेसली की बाजीराव सेकंड से, और वहीं पे 1802 को साइन की जाती है ट्रीटी ऑफ बसीन। अब जैसा कि भाई साहब आप देख रहे हैं बैकग्राउंड क्या था, बैकग्राउंड में सब कुछ आपको डिस्कस कर चुका हूं, फिर भी एक बार देख लेते हैं कि नाना फडणवीस की पावर, माधवराव सेकंड का खत्म होना, राघोबा के पुत्र बाजीराव सेकंड का पेशवा बनना, और उसके बाद फडणवीस की डेथ, और फिर हम आगे चलते हैं। तो पेशवा बाजीराव सेकंड द्वारा, विट्ठू जी होलकर की डेथ यानी मर्डर, इसके बाद बाजीराव सेकंड का बसीन भाग जाना, विनायक राव का पेशवा बन जाना, और यहीं पर जो सबसे लास्ट पॉइंट आपको देखने को मिल रहा है यही कारण बनता है सेकंड एंग्लो मराठा वॉर का। और इस ट्रीटी ऑफ बसाइन में क्या होता है, पेशवा बाजीराव सेकंड के साथ वेलेसली ये एग्रीमेंट साइन करता है कि वो बाजीराव सेकंड को पेशवा बना देंगे, बशर्ते पेशवा बनने के पश्चात बाजीराव सेकंड अपनी आर्मी को अनेक्स करेगा, ब्रिटिशर्स की आर्मी को पूना में अपॉइंट करेगा, और बाजीराव सेकंड अपने किसी भी पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक रिलेशंस को एस्टैब्लिश करने से पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से यानी लॉर्ड गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेसली से सलाह लेगा, और उनकी अनुमति पर ही बाजीराव सेकंड कुछ निर्णय लेगा। अब एक तरफ देखिए मराठा संघ जिसके ऊपर मराठों की ताकत है उसके खिलाफ जाकर बाजीराव सेकंड ने अंग्रेजों से संधि की, दूसरी तरफ वेलेसली और भी स्मार्ट गेम खेल रहा है। एक तरफ तो ये बाजीराव सेकंड के साथ उसने संधि की, दूसरी संधि वो वेलेसली साहब करने का प्रयास करेंगे किससे, बाजीराव सेकंड के सपोर्टर सिंधिया से। सिंधिया और वेलेसली का एक लंबा नेगोशिएशन चलता है, पर हम क्या करते हैं कि आगे बढ़कर देखते हैं
कि ये नेगोशिएशन जो है फेल हो जाता है। आपको जो देखने को मिल रहा है वो लॉर्ड वेलेजली का साइन हुआ। पर तो हाँ जी, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मराठा पेशवा जो बाजीराव सेकंड है वो अंग्रेजों के साथ जा मिला है, और अंग्रेज लगातार ये प्रेशर बिल्डअप कर रहे हैं मराठी लीडर्स पर कि वो ट्रीटी ऑफ अलायंस को, यानी सहायक संधि को, यानी सब्सिडरी अलायंस को जल्दी से जबरन एक्सेप्ट करें, और ना एक्सेप्ट करने की दशा में सेकंड एंग्लो मराठा वॉर शुरू होता है मराठी लीडर्स वर्सेज आपके ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल के बीच में। अब जो सबसे निर्णायक लड़ाई होती है वो होती है बैटल ऑफ असम में, जहाँ पे एक तरफ कंपनी थी और दूसरी तरफ आपके सिंधिया और भोसले आपको नजर आ रहे हैं। सिंधिया और उनके साथ किंग ऑफ बेरार भोसले साहब, ये एक अच्छा युद्ध लड़ते हैं, काफी बहादुरी भरा युद्ध लड़ते हैं। परंतु हैरानी भरी बात ये होती है कि कंपनी की सेना के सिपाहियों की संख्या लगभग 6600 रहती, 6600 से अधिक नहीं रहती है, जबकि सिंधिया और भोसले की आर्मी मिलाकर 55,000 की सेना थी। अब एक तरफ 6,000 वेल ट्रेन्ड आर्मी है और एक तरफ सिंधिया और भोसले की 55,000 की, भले ही 55,000 की, परंतु कैसी अनऑर्गेनाइज्ड, कैसी नेतृत्वविहीन, कैसी बिल्कुल भी क्षमता से परे सेना थी ये। और इस युद्ध में बैटल ऑफ असम में क्या होता है कि आपको सिंधिया और भोसले दोनों ही पराजित होते हैं, और इसी के साथ शुरुआत होती है मराठी लीडर से सब्सिडरी अलायंस की ट्रीटीज का, संधियों का दौर। और इस दौरान सेकंड एंग्लो मराठा वॉर में कहीं ना कहीं, जब आप देखते हैं कि वॉर के बाद ट्रीटी ऑफ देवगांव जो कि 1803 में साइन की जाती है, किसके साथ? भोसले इसके साथ। ट्रीटी ऑफ सुरजी अर्जनगांव 1803 में ही ये किसके साथ साइन की जाती है? सिंधिया के साथ। और जो सबसे इंपॉर्टेंट ट्रीटी है जिसमें आपको जरूर याद रखनी चाहिए वो है ट्रीटी ऑफ राजपुर घाट, जो कि होलकर्स के खिलाफ, यानी होलकर्स के साथ आपके वेलेजली साहब साइन करते हैं। तो इन ट्रीटीज के थ्रू पूरे के पूरे मराठा पावर को कहीं ना कहीं बिल्कुल खत्म करने की कोशिश की जाती है, और लगभग 95% ताकत वो खत्म कर चुके हैं। क्यों? क्योंकि पेशवा बाजीराव सेकंड वो इनसे पहले ही ट्रीटी ऑफ बसीन, यानी बसीन की संधि द्वारा अपनी शक्ति बेच चुका है। इसके बाद जो बाकी बड़े मराठे लीडर्स थे, भोसले, सिंधिया और होलकर्स, ये तीनों ही बड़े मराठे लीडर्स ने अपनी पावर ट्रीटी ऑफ अलायंस यानी सब्सिडरी अलायंस के थ्रू मराठों की इस पूरी ताकत को कंपोजिटली रूप से क्या किया, ब्रिटिशर्स के हाथों सौंप दिया। और इस तरह से हमारे दो एंग्लो मराठा, यानी दूसरा एंग्लो मराठा वॉर समाप्त होता है, जिसमें कहीं ना कहीं पहले एंग्लो मराठा वॉर में जीत होती है किसकी? आपकी, मराठों की। दूसरे एंग्लो मराठा वॉर में अंग्रेज सिर्फ मराठों को जीतते ही नहीं, कहीं ना कहीं उन्हें अपना गुलाम भी बना लेते हैं। और तीसरा एंग्लो मराठा वॉर जो कि ठीक इससे 15 साल बाद होगा, 1817-1818 में शुरू होगा, उस वॉर में पूरी तरह से फाइनली मराठों की पावर को खत्म कर दिया जाता है, जिसे हम देखेंगे अपने अगले वीडियो में। और अगले वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे थर्ड एंग्लो मराठा वॉर, और उसी के साथ हम शुरुआत करेंगे अपने अगले टॉपिक की। तब तक के लिए आप क्या कीजिए, इस पूरे वीडियो को वॉच कीजिए, इस वीडियो में जितने भी फैक्ट्स प्रेजेंट किए गए हैं उनको ध्यान से देखिए, इसके अलावा पूरे वीडियो लेक्चर को सुनने के बाद अपनी कॉम्पिटिटिव बुक्स की तरफ जाइए, और एंग्लो मराठा वॉर के जितने दो वॉर जो मैंने बताए हैं इनसे जुड़े जितने भी प्रश्न हैं उनको जरूर से जरूर सॉल्व कीजिए। जितना आप कंटेंट को देखेंगे, जितना आप कंटेंट को सुनेंगे, जितना नोट्स को पढ़ेंगे, वो प्रोडक्टिव है ही, उससे कहीं ज्यादा प्रोडक्टिव है उसके बाद उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना। बाकी इतिहास कोई भी ना याद होने वाली या असंभव चीज नहीं है, ये सब हमारी तुम्हारी तरह ही लड़के थे, लड़के गलतियां करते हैं, तो इन्होंने भी गलतियां की, और इनकी गलतियों को हम उसी ढंग से पढ़ने का, समझने का कोशिश करेंगे। इन्हें बिल्कुल भी बेहद ज़्यादा गंभीर लेने की आवश्यकता नहीं है, चिल करिए, आराम से पढ़िए। नमस्कार, ग्लोबल करियर एकेडमी आपका धन्यवाद करती है।